वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास हैं जो कि आर्किटेक्चर एग्ज़ाम्स के लिए आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको सॉल्व कर सकता है। और मैं बोलूँगा कि पिछले 6-7 ईयर्स और लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी आप लिस्ट करेंगे, सारे एग्ज़ाम्स इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। और उसमें जितने भी उनकी प्रिपरेशन थी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द कोर्स भी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और ड्यूरिंग द ऑफिस भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो आपके जो थॉट्स हैं जितने भी या जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मुझे लगता है कि आज रिजॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम मिस्टर कमल पासी। ही इज़ एन आर्किटेक्ट फ्रॉम CCA चंडीगढ़, पास आउट इन 2013 एंड MArch from IIT Roorkee in 2015, and during the BR course he also qualified GATE 2013 exam and HAL 2013. So welcome Kamal. So Kamal, mera aapse pehle ek chhota sa question hai ki chhota sa apna intro aap bataye aur aap bataye ki aapne professional kya background hai aapka. Hello everyone. So I am Kamal Pasi. I'm an architect from Chandigarh College of Architecture. Graduated in 2013. Then I did my masters from IIT Roorkee in 2015. 2015 ke baad, matlab I was placed with Darul Hansa in Pune, but I did not join. So I ended up working for my professors on the Getty Grant workshops, in which we were doing the restoration of some of the architectural buildings, like heritage buildings of Chandigarh. And in the meanwhile, UPSC happened in 2016, in which I got qualified as an assistant architect. Sir had qualified in the same exam as a deputy architect, and we've been colleagues since then. And this is it. Born and brought up in Chandigarh, theek hai, Punjabi by nature. That's about it. Okay, thank you, Kamal. Now I'll come to the questions. These are the questions I think most of our applicants have in their mind. So I'll start with the question. Since you have cleared many architecture exams, what was your mode of study during exam and preparation? Because most of the applicants are asking this question, whether they should go for self-study or for coachings. So you can enlighten them. I think मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ इस आंसर देने के लिए, बिकॉज आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2008 माई BArch कोर्स एंड एंडेड इन 2013. तो उस टाइम पर ये आर्किटेक्चरल कोचिंग तो कोई सीन ही नहीं था. इनफैक्ट कोई इतनी बुक्स भी नहीं होती थी अवेलेबल आर्किटेक्चर कोचिंग के लिए. वैन यू लुक एट योर इंजीनियरिंग काउंटर पार्ट्स, उनकी तो इतनी मोटी मोटे ग्रंथ होते हैं. दिल्ली में देर इज़ अ प्रॉपर कोचिंग हब जहाँ पे वो साल साल डेडिकेट करके कोचिंग लेते हैं. तो हमारा तो कोई ऐसा कोचिंग सीन होता ही नहीं था, और सेल्फ स्टडी ही होती थी. अब उसमें एक अच्छी चीज़ कह लीजिए, इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा क्रेडिट ना आक्यूमेन गीता बालाकृष्णन नाम को देना चाहूँगा, कि एक आक्यूमेन क्विज कॉन्टेस्ट होता था, टिल डेट इट्स कंटिन्यूइंग. तो उसमें हमारा कॉलेज जाता था, तो थोड़ा हमारे यहाँ ना एक क्विजिंग कल्चर था कॉलेज में. और उसमें व्हेन आई हैड गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय फर्स्ट ईयर, तो हम तो CCA से थे, तो हमें तो लगता था हम तो ल कबूजर के वंशज हैं, तो हमसे ज़्यादा तो किसको आता होगा या क्या आता होगा. तो हम वहाँ गए और वहाँ पर हमारी कोई टीम शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुई. okay. तो मतलब सॉरी टॉप 6 में भी नहीं आई. तो उस दिन मुझे बड़ा वैसे बुरा लगा, और थोड़ी वो कहते हैं ना कि आईना देख लिया कि यार थोड़ा ऐसे बस आप हेरिटेज के नाम पे रोटी नहीं खा सकते. तो फिर व्हेन वी केम बैक, सो वी हैड द गुड लग्जरी ऑफ सम ऑफ अ वेरी गुड प्रोफेसर्स, गांधी मैम जिस तरह थे, बग्गा मैम थे, तविश सर, बानी मैम, इन सब ने वी स्टार्टेड एक्चुअली अ क्विजिंग कल्चर इन कॉलेज. तो हम क्विजिंग वगैरह करते रहते थे कॉलेज में कॉन्स्टेंटली, वी एवरी सेमेस्टर वील हैव अ क्विज और समथिंग. तो धीरे धीरे उससे हमारी आई थिंक एक बिल्डअप होता रहा टूवर्ड्स द गेट एग्ज़ाम, कि लेटेस्ट आर्किटेक्चर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो आर्किटेक्चरल ब्लॉग्स पढ़ने का उस टाइम पे शौक होता था. हमारे कॉलेज में थोड़ा इंटर्नशिप पे बाहर जाने का ट्रेंड है, जिस समय मैं स्विट्ज़रलैंड गया था. तो थोड़ा आप घूम फिर के भी थोड़ा आपकी नॉलेज रहती है कि अच्छा ये काम उसने किया है, ये बर्नार्ड शूवी ने किया है, ये मारियो बोटा ने किए हैं, एंड सो ऑन. एक सारी सेल्फ रियलाइजेशन. बिल्कुल, आपका ये
10-15 डेज का कोई नॉलेज नहीं होता एग्जैक्टली हाँ ये आपका पूरा 5-6 साल पढ़ा होता है एग्जैक्टली प्लस आपने जो भी ऑफिस में काम किया होता है या आप कहीं भी घूमते हैं तो जो आपका थॉट प्रोसेस हर टाइम पे अलर्टनेस रहती है बिल्कुल वहां से ये पूरा आता है। इनफैक्ट सर अभी कुछ मतलब ये जब से एग्जाम्स आए हैं तो बहुत से मुझे भी क्वेरीज आ रही है जूनियर्स की दोस्तों की कि क्या है कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो एक जूनियर पूछ रहा था कि सर मैं अब क्या करूं मतलब मैं जॉब छोड़ के आराम से तैयारी करूं। तो मैंने कहा अगर तुमने जॉब छोड़ दिया तो पक्का ही क्लियर नहीं हो रहा ठीक है कि आपकी जितनी मतलब जॉब के थ्रू NBC के रूल्स आपको मतलब थॉरो हो जाते हो अपन के साथ साइट पे आप जा रहे हो जितनी नॉलेज आप वहां गेन कर रहे हो ना उतनी आप में से कोचिंग सेंटर्स और इन सब चीजों में मतलब मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स दोज हु आर डूइंग इट ग्रेट लेकिन बस ये है कि ये जितनी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखोगे ना और जितना उससे प्रिपेयर करोगे उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कहीं और हो सकता है। एंड आज की डेट में सर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अबंडेंस आप एक मतलब ऑनलाइन आप टाइप कर दीजिए इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाती हैं इतना मटेरियल आ जाता है अवेलेबल टू स्टडी। महुआ की वेबसाइट है जिसपे आप बहुत सारी थ्योरी बहुत कुछ है सीपी रबड़ी की वेबसाइट पे इतने पब्लिकेशन है NBC सब कुछ है हाँ। तो आई थिंक मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है बट ये है कि कोचिंग जो ज्वाइन करते हैं उनको ये है कि थोड़ा आपके हर रोज़ मॉक टेस्ट हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं तो आपको पता लग जाता है आप कितने पानी में हो तो थोड़ा वो आपको क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन कोचिंग ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। आर्किटेक्चर में इट्स मोस्टली अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग और जितना आप प्रैक्टिस में सीखते हो उतना आप आई थिंक कहीं नहीं प्लस थोड़े आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लें तो मैं अपने राइट ब्रेन के जो फ्रेंड्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने बहुत सारी यही सारी चीज़ें बताई हैं और लास्ट 5-6 मंथ से मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोचिंग आपको करना है आपके पास टाइम है मनी है रिसोर्सेज हैं आप कोचिंग करिए लेकिन कोचिंग आपका सियोर शोर कोई ऐसा नहीं है कि उससे हो जाएगा क्योंकि मोस्टली हमारे जितने भी फ्रेंड्स या कलीग्स हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं मोस्टली मैं तो ये जानता हूँ कि किसी ने कोचिंग नहीं की है और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं एप्लीकेशंस हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था द आर्किटेक्चरल क्विज बैटल एक एप्लीकेशन है वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप टाइम फ्रेम टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सकते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँगा कंसिडरिंग द एक्सटेंसिव सिलेबस ऑफ आर्किटेक्चर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड एग्जामिनेशन व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू अडॉप्ट क्योंकि सिलेबस जब आर्किटेक्चर का हम खोलते हैं तो सब सेम ही होता है वो 15-20 पॉइंट होते हैं वो एक्चुअली 15-20 पॉइंट नहीं होते हैं वो सारी बुक्स होती हैं जो हमने आज तक पढ़ा है और जो नहीं भी पढ़ा है वो भी उसका पार्ट होता है। तो किस तरह से इतने शॉर्ट पीरियड में क्योंकि हम आर्किटेक्ट्स मुझे पता है कि आर्किटेक्ट्स जितने भी अदर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियर्स के एग्ज़ाम होते हैं सालों साल नहीं पढ़ते हैं हमेशा हम लोग लगभग 10% लोग ही ऐसे होते हैं या मैं कहूँ कि 2-3% ऐसे होते हैं जो कि सारा पढ़ रहे होते हैं और लगभग 20% एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ते हैं और जब आपका लास्ट 5 डेज बचते हैं तो बाकी के 80% आपके जो भी कलीग्स होते हैं फ्रेंड्स होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं तो 20% एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ते हैं। तो इसके लिए अब इतने शॉर्ट पीरियड में एडमिट कार्ड आता है आपका 1 महीने पहले तो 1 महीने में किस तरह से आपने पढ़ाई की किस तरह से सारी बुक्स को आपने कवर किया तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा प्लीज़। सर जैसे अभी ना हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये कवर किया है कि एक तो ओवरनाइट लर्निंग आर्किटेक्चर में होती नहीं है ठीक है कि मतलब ओवर द ईयर्स ही आप धीरे धीरे चीज़ें ग्रास्प करते हो। एक सर अच्छी चीज़ हमारे केस में ये थी कि एक तो हम CPWD में जब पढ़ रहे थे काम कर रहे थे तो यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी बायलॉज ठीक है NBC तो ऑलमोस्ट आपको रटनी पड़ती है कि इतना आपको थॉरली जाना पड़ता है उनसे एंड सो ऑन। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक हमारे केस में मतलब फेवर में जाती थी चीज़ कि हम रूल्स बायलॉज का थरो थे ठीक है। चंडीगढ़ में जब वेन वी वर लाइक पोस्टेड इन चंडीगढ़ तो उस टाइम पे चंडीगढ़ में 8 स्टेट्स का काम हो रहा था तो आपको ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स के बायलॉज रटे तो नहीं होते थे बट एटलीस्ट आपको पता मोटा मोटा पता होता है क्या है किस तरह और जिसने दिल्ली में काम कर लिया दिल्ली से ज़्यादा वेल रिटन बायलॉज कहीं नहीं है तो उसमें बायलॉज की अंडरस्टैंडिंग ना उसमें पूरे आपको उसका सारा सिलेबस ही मतलब कवर हो जाता है एक तरह से। छोटा सा पॉइंट है मेरा जी 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 स्पेशली जो UPSC के आर्किटेक्चरल एग्जाम्स होते हैं उनमें फैक्चुअल नॉलेज और एक कोर स्टडी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उनमें आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं
या फिर आपके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं? ओके सर, आई थिंक यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चंस आर फैक्चुअल ओनली. मतलब मेरी जो मतलब मैंने 3 एग्जाम्स दिए हैं उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फैक्चुअल. और ये सीपीडब्ल्यूडी का जो 2016 का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओके तो जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक इट वॉज 20th मार्च आई बिलीव, तो एक्चुअली एग्जाम ना थोड़ा आसान आया था, तो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. ठीक है, फैक्चुअल नहीं थे उसमें, नहीं थे क्वेश्चंस. जितने भी सीपीडब्ल्यूडी एग्जाम होते हैं उनका फैक्चुअल नहीं होता, पूरी स्टडी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है. राइट, जो अदर एग्जाम्स थे जो एमईएस का जिस तरह हुआ, डीडीए का एग्जाम था, वो मोस्ट बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल थे. बिल्कुल राइट. अगर आप सीपीडब्ल्यूडी के एग्जाम के लिए आप डिप्टी आर्किटेक्ट या असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा बिल्कुल. और इनफैक्ट एग्जाम मतलब थोड़ा आसान आया था तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि आसान एग्जाम सबका अच्छा रहता था, उसमें मेरिट मुश्किल हो जाती है. बिल्कुल, मेरिट मुश्किल हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर भी मेरिट 60% तक ही गई. हाँ हाँ राइट राइट. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो हम थोड़ा मिस कर रहे हैं कि आपने इतनी सारी बुक्स को इतने शॉर्ट कैसे कवर किया? हाँ ओके सॉरी, तो बेसिकली मैं पॉइंट पे ये आ रहा था कि जो एनबीसी है ना सर, एनबीसी मोटा मोटा आपका सारा आर्किटेक्चरल सिलेबस को एक कंसाइज वे में लेके आती है. तो हर चैप्टर के ना आप एक तरह से अगर आप गूगल भी करेंगे आपको उसकी समरीज मिल जाती हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए कि फायर फाइटिंग में क्या कह रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या कह रही है. ठीक है, तो महुआ की गाइडलाइंस क्या कहती है, आप महुआ की वेबसाइट खोलें, उनकी नई पॉलिसीज क्या हैं. एग्जैक्टली, तो उसमें क्या क्या है, हार्मोनाइज गाइडलाइंस हैं या कुछ हैं, तो ये चीज़ें ना आप थरोली एक बार पढ़ लीजिए. बाकी व्हाट डिड आई डू इज़ कि मतलब मैं इतनी सारा बुक्स तो सर अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक महीने में पढ़ी तो दैट्स रॉन्ग. ठीक है, कॉलेज में मतलब ठीक है, मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था, और धीरे धीरे आई थिंक वो स्पिरेगन हो गई अर्बन डिजाइन के लिए, सिमंड्स हो गई या कुछ. हाँ. तो ये बुक्स हम थरोली पढ़ते थे, ऑथर्स किसके क्या हैं वो हमें थोड़े याद रहते थे. तो ज्यादातर तो अगर आप एनबीसी की आपको थरो नॉलेज है ना तो उसमें कंसाइज हो जाती है. एंड वन थिंग आई मेड श्योर इज कि मैं हर रोज 1 घंटा डेडिकेट करूँ टूवर्ड्स स्टडिंग. मैं रात को बैठ के, अच्छा एक ये है कि मेरे को शायद मतलब मैं वो जो आईएएस ऑफिसर जिस तरह नोट्स बनाते हैं उतने अच्छे नोट्स तो नहीं, बट स्क्रिबलिंग डूडलिंग मैं करता था कि कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ तो आई वुड स्क्रिबल समथिंग कि इसका ये है. और फिर मैं अपने नोट्स को जब देखता हूँ तो मुझे मैं एक बारी बस ग्लांस कर लिया तो मुझे वो सारा रिकैप हो जाता था कि अच्छा ये था. तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ मतलब सिर्फ ऐसे नॉवल रीडिंग ना करें, आप साथ में कुछ स्क्रिबलिंग या डूडलिंग करते रहें जिससे आपको थोड़ा रिटेन रहे दिमाग में. इसके लिए मैंने अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने बहुत बार बोला है कि आपको 100% कभी भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ सकते. मैं हमेशा उनको 80-20 वाला रूल बताता रहता हूँ, क्योंकि आपको 20% स्टडी करनी है और लेकिन वो 20% एक्चुअली क्या है, क्या है exactly, वो आपको जानना बहुत जरूरी है. सेलेक्टिव स्टडी विद इन डेप्थ नॉलेज या करना है, जो आपको अगर 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं तो 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, अब 10 चैप्टर के पीछे मत भागिए. राइट एग्जैक्टली. हाँ, और इनफैक्ट मतलब अगर मैं बोल सकूँ, अगर आपको कोई लगता है ना एग्जाम में क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा, नेक्स्ट मतलब बाद में क्या, ठीक है उसके लिए जो चीज़ें आते हैं उन्हें मत छोड़ो. ठीक है, न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, स्किप इट. मैं तो यही बोलूंगा, सीपीडब्ल्यूडी के एग्जाम में नहीं आता ही नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं आते, नहीं आते हैं, आप बिल्कुल डोंट बी वरीड अबाउट इट. हां, मैं भी छोड़ के आया था. ठीक है, अगर आप भी जाए और एक्चुअली आपको मैंने पुराने बहुत सारे चीजें इनको बताया है कि किस तरह से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली, तो आपको 100% नहीं करने, और आपको अपना ईगो वहां पर नहीं लाना है किसी क्वेश्चन के लिए कि मैं ये क्वेश्चन करके ही रहूंगा. राइट राइट, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं तो हमेशा अपने लिए भी बोलता हूँ कि मैं कभी 100% क्वेश्चन पेपर कभी नहीं करता हूँ. ओके, जो छोड़ना है वो छोड़ना है, चाहे वो इंटरव्यू में हो चाहे कहीं पे भी हो. ठीक है ना. हाँ. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो वैसे आपने बता ही दिया है, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज मेकिंग ओन नोट्स विद स्टडी? तो आपने बताया है, स्क्रिबलिंग या कुछ ना कुछ अपना नोट्स लिखिए, मतलब आप जॉटर लेके कुछ ना कुछ बनाइए, क्योंकि कल को आप रिकॉल करें, आप दोबारा बुक तो पढ़ेंगे नहीं सारी. ठीक है, आप एक बारी वो फ्लिप कर लेंगे ना, आप रिकॉल कर लेंगे. आई थिंक बहुत सी थ्योरीज भी हैं ऑन लर्निंग जो कहती है आप एक बारी देखते हो तो बस आपको 1% रजिस्टर होता है, अगले दिन दोबारा देखते हो
तो 5% और ग्रास्प होता है, एक हफ्ते बाद देखोगे तो 20% और रिटेन होगा, आप एक महीने बाद उस दोबारा नोट्स को देख लो, आपको फिर वो एक तरह से पक्का हो जाता है कि अब ये तो मुझे पता ही है कि इसकी स्लोप 1:12 होनी है या कुछ है, आप किसी चीज को बार बार देखते रहते हैं तो वो धीरे धीरे रिटेन हो जाती है, तो पूरी बुक आप दोबारा बार बार नहीं देख सकते, तो अगर आपके पास थोड़े नोट्स होंगे उसके, आप अपनी फॉर्म में, उसमें ये नहीं है कि कोई आपने आगे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को आगे जाके वो नोट्स दिखा दे या कुछ है, इट्स टोटली फॉर योर ओन लर्निंग, बट स्क्रिबलिंग मतलब एज एन आर्किटेक्ट आपको स्केचिंग की थोड़ी आदत होती है, तो मुझे भी शायद वो है कि मैं कुछ ना कुछ जॉट करता रहता हूँ, स्क्रिबलिंग डूडलिंग या कुछ करता रहता हूँ। जी सर, तो इसके बाद एक और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछना चाहते हैं, हाउ डिड यू मैनेज स्टडीज वाइल वर्किंग और ड्यूरिंग योर कॉलेज, क्योंकि आपने जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए या तो वो ड्यूरिंग कॉलेज किए हैं, ठीक है, या व्हेन आई वाज वर्किंग, हां राइट, तो किस तरह से आपका स्टडी पैटर्न था, क्या आप फुल्ली 8 घंटे वहां पे लगे थे या ठीक है ओके, आर्किटेक्चर में आई थिंक सर 8 घंटे तो होते ही नहीं है, और एक बहुत अच्छी चीज है कि आपकी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो ना, वो बहुत ही ज्यादा लर्निंग ही है, वो लर्निंग ही है सारी। कॉलेज में सर इन जनरल मतलब आई वॉज लाइक मतलब स्टडिंग उस टाइम पे बुक्स वगैरह पढ़ते रहते थे, तो कॉलेज में तो आसान थी, बिल्कुल ठीक है, प्रेपरेशन ठीक है, आर्क्यूमेंट में वी वर थॉरली मतलब वी वर पार्टिसिपेटिंग, जीते वी वर रनर्स अप एंड सो ऑन, तो वो कॉलेज की लर्निंग तो हो जाती थी, कॉलेज में टाइम भी होता था, कोई और कोई टेंशन नहीं होती थी, तो पढ़ाई पढ़ाई पे आप वो भी करते थे। व्हेन आई वाज लाइक वर्किंग ना, तो उस टाइम पे देखो एग्जाम से अराउंड कह लीजिए जब वो एडमिट कार्ड आता ना, ठीक है, एक्चुअली उसी दिन पढ़ाई शुरू हुई होती थी, तो उस टाइम पे आई मेड श्योर कि मैं हर रोज एक गेट एग्जाम सॉल्व करूंगा, ठीक है, और मुझे नहीं पता सर अब ये वेबसाइट इतनी एक्टिव है या नहीं, हमारे टाइम पे ना एक respaper.com वेबसाइट थी, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ फोरम, ओके, तो वहां पर पुराने गेट पेपर्स या जो भी आर्किटेक्चरल एग्जाम होते थे सारे एग्जाम सारे अवेलेबल हैं अभी भी। नहीं नहीं सर, इट्स एक्चुअली अ फोरम, वहां पर आई कैन एक्चुअली डिस्कस कि मैं अगर कुछ आंसर कुछ तो सर मतलब सीधा होता है कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, ले कॉर्बूज़िएर है, मारियो बोटा कौन है, वो सीधा हो जाएगा, कुछ होते जिसमें से न्यूमेरिकल आ जाता था या कुछ आ जाता था, उसमें आपकी क्वेरी होती थी नहीं यार सी होना चाहिए इसका, तो वहां पर एक्चुअली डिस्कशन होती है कि नहीं नहीं दिस इज द आंसर, तो वहां पे यू कुड एक्चुअली डिस्कस, तो वो मेरा होता था कि हर रोज मैं अपना, और मतलब मुझे मैंने देखा था कि गेट पेपर्स वगैरह में 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगता आपको सॉल्व करने में, टाइम आप करते हैं ज्यादा लगता है, तब ज्यादा लगता है, पर धीरे धीरे इट टेक्स लेस देन 1 आवर 45 मिनट्स, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, तो उसमें बस आई मेड श्योर कि मैं हर रोज रात को 1 घंटा डेडिकेट करूंगा, मतलब खाना खाने के बाद मैं 10-11 बजे बैठता था और 1 घंटा मैं डेडिकेट करता था कि आई विल सॉल्व 1 वो। इसके अलावा सर जनरल मुझे थोड़ी वो कह लो आर्किटेक्चरल लाइब्रेरी रखने की वो है, बिल्कुल, तो वो मैं कुछ जो कोई लेटेस्ट बुक्स वगैरह आती हैं वो देखते रहता हूँ, और एक कुछ ना आर्किटेक्चरल ब्लॉग्स हैं, मतलब काफी वेबसाइट्स हैं, तो उनको मैं हर रोज ना ऐसे ही बस गो थ्रू करता रहता हूँ, और कुछ नया आता है, अच्छा डेविड चिपफील्ड ये कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, प्रिट्जकर प्राइज किसको मिला, इन्होंने क्या क्या काम किए, एग्जैक्टली, तो ये स्क्रोलिंग आप हर रोज करते रहिए, और वो ये कि मतलब ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आप एक ना ये कुछ 7-8 चीजों की हैबिट्स बनाइए, बिल्कुल, कि आप धीरे धीरे हर रोज ये पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आपको रिटेन होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने अभी 1 महीने असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स के एग्जाम के लिए बाकी है, और डिप्टी आर्किटेक्ट्स के लिए तो बहुत सारे महीने हैं अभी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैंने भी किया कि मैंने भी ड्यूरिंग द ऑफिस ही प्रिपरेशन की, तो मॉर्निंग में मैं 1-1.5 घंटा निकालता था और शाम को ऑफिस से आने के बाद 1-1.5 घंटा, क्योंकि जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है तो 1-2 दिन के हमें लीव लेनी पड़ती है पूरा रिवाइज करने के लिए, लेकिन हाँ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया कि 1 दिन में आपको 1% या 2% रिटेन होता है, लेकिन आप उसको 7 दिन बाद या 5 दिन बाद आपको रिवाइज उसको दोबारा करते हैं तो आपको धीरे धीरे रिटेन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारी बुक्स मैंने भी बताई हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप बता सकें कि जिससे कि पढ़ाई करें, ओके, जो आपने भी अपने एग्जाम के दौरान आपने, ओके, एक ना इसमें वैसे आर्क्यूमेंट की ही एक बुक है, तो इट वॉज बेसिकली ऑन क्विजिंग, आर्किटेक्चुरल क्विजिंग, हाउ डिड लाइक द क्वेश्चंस फॉर दैट क्विज केम आउट, तो उसमें वो एक तरह से एक पूरे क्वेश्चन की एनाटॉमी बताते हैं कि किस तरह, तो वो आप अगर आप एक, और इट्स लाइक
छः घंटे की रीड है, ठीक है, आप फ्लिप करते रहिए एंड इट्स अ वेरी फन रीड. तो वो एक इट विल मेक यू मोर इनक्विजिटिव टुवर्ड्स नोइंग मोर थिंग्स. ठीक है, और पॉइंट क्या होता है कि जब आपने सर एक टॉपिक पढ़ लिया ना उसमें आपको थोड़ी तो मिल जाती है, तो कल को आप नेट पे बैठोगे ना आप ऑटोमेटिकली होता है यार ये देखो सर इसमें और क्या किया था, अच्छा ऐसा भी हुआ था, ओ अच्छा अच्छा इसकी थ्योरी ये है. तो अदर देन दैट सर एक मतलब स्प्रेरेगन है अर्बन डिजाइन के लिए, वो मतलब ये कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो मैं अच्छा, मतलब नहीं बोलूंगा. एक बुक है डीके सिंह की जो बुक है विजुअल डिक्शनरी. हाँ ठीक है ठीक है. कितना इम्पोर्टेंस देते हैं आप Okay, क्योंकि उसमें भी बहुत शॉर्ट टर्म में जो काफी टर्म्स और वो सब चीजें आपकी बताई हुई हैं, राइट, वो आपको कुछ ना ओके. बट मैंने सर मैं झूठी बोलूंगा, मैंने तो मतलब नहीं रेफर की थी उसे, मतलब कॉलेज टाइम पे मतलब आई हैड इस चीज में. मैं ना जनरली एनबीसी रेफर करने को बोलता हूँ कि उसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज है और जो मतलब महुआ की मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके भी इनिशियल चैप्टर्स आप देखेंगे ना उसमें आपकी सारी वोकैबुलरी जो ग्लॉसरी है उसमें सारे आपके टर्म्स क्लियर हो जाते हैं. अगर आप ये गो थ्रू करें अदर देन दैट मतलब मेरा एक फ्रेंड है स्वप्निल, उसने एक दो स्वप्निल विधाते वो एमईएस में ही इज डिप्टी डायरेक्टर, उसकी दो बुक्स हैं तो एक में ही इज एक्सटेंसिवली डिस्कस थ्योरी और एक में ही हैज सॉल्वड ऑल दी एग्जाम्स. तो वो मतलब जनरली मेरे किसी जूनियर का फोन आता तो मैं उसे वो रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू इट तो इट्स थरोली डन. बाकी ये कि आजकल रिसोर्सेज आर अबंडेंटली अवेलेबल, ठीक है, आप नेट पे जाएं और आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आप एक टॉपिक ही डाल देंगे उसके ऊपर यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टफ. लेकिन यहाँ पर एक मैं पॉइंट देना चाहूंगा आपको क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड टाइम फ्रेम है 20 डेज या 30 डेज का तो उस टाइम पे प्लीज अपना पूरा टाइम नेट पर डिवोट मत करिए क्योंकि वहां से आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं. तो आपको जो भी पढ़ना है जब लास्ट 15 डेज की प्रिपरेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास अगर 10 रिसोर्सेज हैं, 10 बुक्स हैं या ऑनलाइन है जो भी है रिसोर्सेज उन पर ही फोकस करिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं. एक्सप्लोर जो करना था आपको अभी डिप्टी आर्किटेक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत सारे महीने आप एक्सप्लोर करिए लेकिन अब अभी एकदम से 15 दिन बचे हैं तो आप एक्सप्लोर करना बंद करिए और जो आपके हाथ में है उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ कोचिंग के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोई अभी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी. अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं बिल्कुल आपके पास टाइम है आप फ्री बैठे हैं आप कर सकते हैं. ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपकी मतलब एक सिक्योर जॉब लग जाती है तो व्हाई नॉट. बट ये कि कोई उसी के बगैर होगा नहीं ऐसा तो इट्स अ मिथ. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिड यू गिव स्पेशल एम्फोसिस टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इक्वल एम्फोसिस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन योर ओपिनियन कैन सर्टेन सब्जेक्ट्स और टॉपिक बी स्किप्ड बाय अज्यूमिंग दैट them to be not so important. Yes. सर स्ट्रक्चर स्किप कर सकते हो आप, ठीक है ठीक है, बाकी आप कुछ नहीं छोड़ सकते यार. और अ गिवन डे मतलब जो बेसिकली एग्जाम होता है उसमें यूपीएससी क्या होती है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजती है कि आप प्लीज सेंड अस क्वेश्चंस, ठीक है. तो अब उसमें से फॉर एग्जांपल मैं लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, तो मैं ये डाल दूंगा इस पेड़ का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है, ये कौन सा फूल है, इसका साइंटिफिक टर्म बताओ. मेरा लैंडस्केप है, मेरे अर्बन डिजाइन है तो मैं बताऊंगा कि अच्छा ये वाला स्क्वायर किसने बनाया था, इसकी प्लानिंग किसने दी थी, उन सब चीजों को मिक्स करके एग्जाम बनता है. अब ऑन अ गिवन डे किसकी परसेंटेज ज्यादा हो वो हमें नहीं पता, वो कुछ नहीं पता. तो आर्किटेक्चर में मतलब मैं जनरली सभी अपने दोस्तों को भी यही बताता हूँ अगर आप एक साइट प्लान देखते हैं ना, ठीक है, उसमें कोई भी आप पॉइंट मार दो वो एक टॉपिक है, टॉपिक ठीक है. अगर वहाँ कोई वाटर बॉडी है तो वो भी एक टॉपिक है, कोई पेड़ लगा है वो भी एक टॉपिक है, बिल्डिंग है वो भी टॉपिक है, सर्विस सब कुछ आपका ना कवर होता है आर्किटेक्चर में. तो आप छोड़ ऐसा कुछ नहीं सकते. ये है कि महुआ की जो लेटेस्ट पॉलिसीज है ना वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक बड़ी गो थ्रू कीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं, उनके थोड़े बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ उनके बारे में पढ़ के जाइए. सुगम्य भारत क्या है, JNNURM क्या है, हृदय क्या है, तो ऐसे ऐसे करके लेटेस्ट पॉलिसीज क्या है आपको इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिए, जो जनरली हम बुक्स में रिवाइज नहीं करेंगे. ये चीजें अवेयरनेस है आपकी, एग्जैक्टली हाँ, आप ओवर द ईयर आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को वॉच कर रहे हो. राइट. अच्छा इसके बाद अपने इंटरव्यू का हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. हाँ, जी सर. लेकिन इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन मेरे द राइट ब्रेन का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे भी आएंगे, ठीक है ठीक है, पूछे हुए हैं तो उनको मैं बहुत जल्दी जल्दी पूछ लेकर ठीक है ठीक है ओके. और कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा. लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है जी,
what are your words of wisdom for architecture students and young architects preparing for architecture exams? ओके यस, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है. ठीक है यार, एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड. ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जिनका शायद एग्जाम क्लियर नहीं होता एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल. ठीक है, एक्सेप्शनली वेल. ठीक है, मतलब कोई बाहर चला गया कि नहीं, कि अपनी बहुत ही थ्राइविंग प्रैक्टिस हैं या कुछ है. ठीक है, ये एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है ना, मतलब आपका, तो मैं एक्चुअली क्या होता है सर, अगर आप रिसेंटली देखें, जब मैं मतलब कॉलेज में पढ़ रहा था जी. तो चंडीगढ़ में ले कॉर्बूज़िए के नाम से तो मशहूर है ही है, ले कॉर्बूज़िए के कज़न है पियर जॉनरे, जो एक्चुअली अपनी स्विट्जरलैंड की लाइफ, जिनीवा की लाइफ छोड़ कर यहाँ एक गाँव, क्या मतलब खाली लैंड पे आ गए और यहाँ पर 20 साल रहे कि मुझे ये शहर बसाना है, कि एक हम डेवलपिंग नेशन में जा रहे हैं और यहाँ के लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करना है हमें. ठीक है, आप मतलब जेन ड्रू देखें, मैक्सवेल फ्राई देखें, लॉरी बेकर, उन्होंने भी अपनी सारी यूके की लाइफ छोड़ कर केरला में बसे और लोगों को फ्री में एजुकेशन बांटी कि किस तरीके से आप एक अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं. धीरे धीरे आर्किटेक्चर प्रोफेशन ना थोड़ा मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक लीनिंग टूवर्ड्स दी रिचेज, कि अब मतलब एक अमीर आदमी का घर कैसे बनाना है जहाँ से फीस निकल आए या कुछ आ जाए, तो वो जो सोशल आस्पेक्ट था आर्किटेक्चर का ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. लेकिन आई थिंक एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, जब आप मतलब एक गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हैं ना, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक्चुअली ग्रास रूट्स पे काम कर सकते हैं. ठीक है, आप आई थिंक एक हेल्थ मिनिस्टर ने, हम एक ESIC का हॉस्पिटल कर रहे थे, तो तब उन्होंने मतलब ये रिमार्क दिया था कि व्हेन यू आर मतलब मेकिंग दीज हॉस्पिटल्स फॉर द लेबर, तो इससे ज़्यादा मतलब पब्लिक गुड कुछ हो नहीं सकता. तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार बिल्कुल ही अब ना साइड लाइन ऑफ ट्रैक नहीं हुए हैं. तो जो हमने छोटे होते कहानियाँ सुनी थी वो अभी भी मतलब हम उस पर काम कर रहे हैं और हम एक्चुअली मतलब जो एक लोअर स्ट्राटा को ऊपर लेके आने में वी कैन एक्चुअली प्ले अ ग्रेट रोल. ठीक है, ऊपर से यार 6-digit सैलरी है, मतलब ठीक है, द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ यू. अब आप सोचो कि करोड़पति बन जाओ ओवरनाइट, वो तो नहीं है. देयर विल बी अ कैपिंग ऑन गवर्नमेंट सैलरीज एंड ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आफ्टर द 7th पे कमीशन यू आर गुड. ठीक है, मतलब इट्स अ गुड 6-digit सैलरी. ठीक है, बाकी भी पर्क्स वगैरह सरकारी नौकरी के होते ही हैं. ठीक है, छुट्टी मिल जाती है सबसे बड़ी चीज़, कि ये नहीं है कि यू आर इंडिस्पेंसेबल कि हर वक्त हालो ये क्या ये क्या है. ठीक है, मतलब प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, बट स्टिल लाइफ मतलब अच्छी रहती है आपकी. तो इसमें अगर थोड़ा एफर्ट जान मार सकते हो ना, कि 1 घंटे की बजाय दिन के 3 घंटे दे सकते हो तो दे दो. ठीक है, मतलब यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ उस चीज़ में. ठीक है, और बाकी वही है कि नहीं होता तो इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड, कि दुनिया में मतलब मतलब और भी बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट ये कि CPWD जैसी मतलब इट्स द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी यहाँ होती है उतनी आई डाउट आपको किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में मिलेगी, कि जितना आपका एक्सपोजर, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू डू, यू वर्क ऑन द पार्लियामेंट, द न्यू पार्लियामेंट. ठीक है, मतलब वी वर वर्किंग ऑन द सेक्रेटेरिएट फॉर ले, तो ये बड़े ना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हर किसी को करने को नहीं मिलते. तो आपको इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलेगा. तो आई थिंक इसके लिए थोड़ा एफर्ट मार लो यार अच्छे से, थोड़ा ना मतलब अगला 1-1.5 महीना या जो भी जब भी डेट्स आती हैं, तो थोड़े आप एफर्ट मारने शुरू करो इसके लिए. अच्छे से तैयारी त्यूरी करो, और अगर लग जाता तो यार मतलब एक तरह से यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. ठीक है, थोड़े बीच में होगा, लगेगा कि यार मेरा दोस्त तो इतना कमा रहा है, वो कमा रहा है. ठीक है, आप अपने 98% दोस्तों से तो ज़्यादा ही कमा रहे होगे, दिस आई कैन गारंटी यू. एक दो दोस्त होंगे आप उन्हीं को देखते रहोगे यार वो मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, तो वो मत सोचना. बट यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, मतलब वंस यू गेट इन टू अ गवर्नमेंट सर्विस, तो यू आर इन अ वे सॉर्टेड फॉर लाइफ. तो मतलब गो, मतलब प्रिपेयर थॉरली. ठीक है, मतलब हाफ हार्टेडली प्रिपेयर मत करना, कि अगर 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा ही सही, बट उसको दो, कि मतलब उस टाइम पे ये नहीं है कि साथ में मतलब गर्लफ्रेंड को भी टेक्स्ट करना है, नेटफ्लिक्स भी देखना है, प्राइम भी देखना है. 1 घंटा मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करके भी बैठना है तो बैठ जाओ और 1 घंटा उसी को दीजिए आप डेडिकेटेड. वैसे हमारे सारे क्वेश्चंस लगभग जो हमारे शेड्यूल थे वो हो चुके हैं, लेकिन द राइट ब्रेन का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके, मोर और मतलब लगभग ये कवर हो जाते हैं, लेकिन मैं एक बार उनको पढ़ लेता हूँ. जी जी, कि एक क्वेश्चन है, हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज.
बहुत क्योंकि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप पे है, ठीक है, आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया और किस तरह से? फॉर्चुनेटली आई थिंक 2016 में ये YouTube वगैरह तो था, तो उसमें आप इन जनरल एक बार बैठ के मतलब देख लेते थे कि क्या UPSC के आप उसमें हॉल में जा रहे हैं तो कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है। अब आर्किटेक्चर में ना थोड़ी चीज़ें होती है कि आप अपना पोर्टफोलियो साथ में लेके जाते हो, बिल्कुल ये एडिशनल आपको एडवांटेज है एक बहुत बड़ी, कि वहाँ पे ये नहीं है कि अच्छा मेरे चाचा जी का नाम बताओ या उसके चाचा जी का नाम बताओ, वहाँ पे एक्चुअली आपके पास सारे प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को दिखाते हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ना आपके आपके पोर्टफोलियो से ही पूछे जाते हैं, पोर्टफोलियो से आते हैं, प्लस आपके जो पैनल में जो लोग बैठे होते हैं वो सारे एक्सपर्ट्स हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट मिनिमम दो एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं, जिनमें सब तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, कुछ यूपीएससी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बैठते हैं, तो वो सब लोग होते हैं, तो आप राइट इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा पहले से ही आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज राइट और आपका जो बोलने का क्या थोड़ी मतलब उसमें ना सॉफ्टनेस होनी चाहिए, कि ज्यादा खड़ बोली नहीं हो, ऐसे नहीं करना हमारे यहाँ तो ऐसे ये सब नहीं, थोड़ी मतलब आप सॉफ्टनेस लेके आइए कि किस तरीके से आपने बात करनी है, कैसे करनी है, उनको कैसे भी ट्रस्ट फैक्टर जो है कैसे लेके आओगे, उनमें ला दें लेके आए, क्योंकि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन आपने उन्होंने पूछा और आप उसको एकदम से फेक कोई आंसर देने लगे और उनको पता चल गया तो आप देन यू आर गॉन फिर वो हो गई है। तो मेरा जब पहला यूपीएससी इंटरव्यू था तो मैं जब बाहर आया था मुझे लगा था मेरी नहीं होगी, बिकॉज मेरी थोड़ी सी उनसे बहस हो गई थी, तो उन्होंने काफ़ी ग्रिलिंग हुई थी मेरी और मैंने काफ़ी जवाब भी दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, आई बिलीव दिस, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड सो ऑन, तो थोड़ी मेरी ग्रिलिंग हुई थी काफ़ी, और मैं जब बाहर आया तो मुझे लगा यार मेरा तो नहीं होगा, तो फिर बाद में पता लगा कि ग्रिलिंग होना इज़ अ गुड थिंग, एक्चुअली आपसे एक्चुअली सवाल किए जा रहे हैं तो दे वॉन्ट टू चेक यू थॉरली, एग्जैक्टली, हाँ उसको भी चेक कर रहे होते हैं कि आप किस लेवल तक हाँ वो कर सकते हैं, कैसे अपना लेवल मेंटेन रखेंगे आप, ठीक है आप ज़्यादा, और पॉइंट इज स्टिक टू योर फैक्ट्स, मतलब जो कहानियाँ झूठ मत करना, वो फिर मतलब वो तो सीधे सीधे ही पकड़े जाओगे, नेवर स्टेट अ रॉन्ग फैक्ट, ठीक है, और इफ़ यू डोंट नो समथिंग एक्सेप्ट इट, कि आई एम रियली सॉरी, मतलब प्रेजेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर टू आंसर दिस, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत आंसर मत देना, मतलब गलत इन द सेंस, इसके बाद फैक्चुअली गलत क्वेश्चन है, व्हाट इज द डे टू डे लाइफ इन सर्विस, इसको मैं अभी स्किप करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये ज्यादा लंबा और लंबा भी है, थोड़ा इंटरव्यू भी लंबा हो जाएगा, इसके बाद व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस एट इंटरव्यू, हमने डिस्कशन कर लिया मोर मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपके पोर्टफोलियो है जो आप बोलेंगे वहां उसी के ऊपर आता है, लेकिन ये कि प्रेजेंट डे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना उनको थोड़ा थरली करके जाओ, और प्रेजेंट डे अगर कोई और जिस तरह मेरे से एक बारी उस टाइम पर सर ये दिल्ली में पोल्यूशन का बड़ा वो था तो उस पे भी पूछा था कि इसके क्या सोल्यूशन, अभी जिस तरह अर्बन फ्लडिंग और ये सब चीजें हैं तो इनके ऊपर आप थोड़ा ना मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट्स के जो कॉलम्स आते हैं वो पढ़ लीजिए तो उसमें आपको थोड़ी चीज़ों की नॉलेज रहती है कि आप वहाँ जाकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हाउ मच इन डेप्थ शुड वी रीड द बुक्स, ये हम पहले डिस्कस किया है और करना है राइट है ना, पूरी आप पढ़ने बैठोगे पढ़ भी नहीं पाओगे, टाइम नहीं है, या तो कॉलेज से शुरू किया है तो कॉलेज के अगर बच्चे ये सुन रहे हैं तो आप पढ़ना शुरू कीजिए अच्छे से, ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। क्वेश्चन है हाउ फार डज एक्सपीरियंस मैटर इन द इंटरव्यू, ओके यार एक्चुअली इंटरव्यू का मुझे पता नहीं, ओवरऑल भी आप कहीं पे भी जाते हो ना विद एक्सपीरियंस इट शोज, ठीक है कि आपको नॉलेज है चीज़ों की और आप खुद ही इतने कॉन्फिडेंटली मतलब वहाँ पे आंसर दे पा रहे हो तो ना, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स, एक चीज़ तो थी कि हमने कॉलेज में बैठ के बस चीज़ें कर लिया कुछ है, जब आप यहाँ पे किसी दिन लोकल बॉडी में जाओगे ना और अपना एक नक्शा पास करवाओगे उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आता ना आपने तो आप बाहर जाके बता सकते हो कि नई नई रूल ये कहता है, रूल 15.1.A ये कहता है, तो आपके पास जब एक्सपीरियंस होता है ना उसका एक्चुअली कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर मैं पर ये है कि इंटरव्यू ही आपको ये नहीं देगा कि आप 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हो तो आपको मैं ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स दूं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जो कि फ्रेशर्स थे एकदम से, बस BR किया और दे गॉट सिलेक्टेड, बिल्कुल सेलेक्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं रहता कि उसी को ही वो देंगे प्रेफरेंस देंगे,
उनको भी इक्वल एवरीबडी, हाँ एग्जैक्टली दे आर ट्रीटेड इक्वली. ये नहीं है कि आप एक्सपीरियंस के साथ आए हो तो आपको हम ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स देंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल, आप उस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है. इसके बाद है डिटेल पोर्टफोलियो हाँ ले जाना चाहिए, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. हाउ टू टैकल वास्ट सिलेबस, ये ऑलरेडी हम कवर किया है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट. ऑलरेडी इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ रिलेवेंट इज माय डाउट, आई हैव टू क्वेश्चंस. ओके, इज सॉफ्ट कॉपी ऑफ पोर्टफोलियो एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग इंटरव्यू? नो, इसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ नो. एंड इज सारी इज कंपल्सरी ड्रेस कोड? नहीं, मतलब मैं इसमें नहीं, मैं इसका आंसर मैं तो नहीं दे सकता. आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको डिसेंट इंटरव्यू के लिए अप्रोप्रिएट ड्रेस है, और आप गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे लगने चाहिए लुक डिग्निफाइड. हां बस दैट्स इट, मतलब कोई वो है कि अननेसेसरी ज्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. और इसके बाद है व्हाट आर द पर्क्स ये ऑफ अ गवर्नमेंट सर्विस, वो तो ऑल सर्विसेज मिलते हैं आपको. बिल्कुल, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप सर्विस में आइए. और एक सर रिसेंटली, मतलब अगर इफ़ आई कैन ऐड हेयर, मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया, ही वांटेड टू आस्क कि क्या क्या होता है एंड सो ऑन. एंड टोल्ड हिम कि यार मतलब अच्छी चीज़ है, लगती ही तुम्हारी ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास सैलरी होगी, कट कट आके तुम्हें 80-90 हज़ार मिल जाएगा. तो ही वॉज लाइक ग्राइट. और फिर बंगला गाड़ी, मैं कहता जो तुम्हें 1.5 लाख मिल रहा है वो गाड़ी और बंगला ले पाओ इसलिए मिल रहा है, ठीक है. तो उनकी एक्सपेक्टेशन ना एक्चुअली IAS की पावर से हो जाती है, वो उस आप भ्रम में मत रहिएगा प्लीज. जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनके अलग रहता है. हाँ, आपको भी गाड़ी मिलेगी, ऑल ऑफिशियल वर्क के लिए आप सबके पास चीजें होंगी. हाँ, आपको मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आप वो उसकी वजह से ये एग्जाम की तैयारी मत कीजिए कि गाड़ी बंगला ये सब मिलेगा. वो सेकेंडरी चीजें हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीजें हो जाएंगी. इसके बाद हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट फॉर एग्जाम, मे साउंड वियर्ड बट बेस्ट होते हैं ना, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको भी सेल्फ डाउट आता है कि यार मेरा नहीं हुआ तो ये हुआ. तो इट्स ओके, इट्स ह्यूमन, तो जस्ट ओके, थोड़ा दूध पियो, पानी पियो, एंड यू विल बी सॉर्टेड. हाँ, मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, डोंट ओवर थिंक. और कोई अच्छी नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लो अगर ज्यादा कुछ हो रहा है तो, कोई फील गुड. मैं कुंगफू पांडा देख लेता था जब मुझे, ठीक है, मुझे कभी वो होता था खेलने निकल जाइए. एग्जैक्टली, तो हाँ, एवरीबडी गोज थ्रू इट, सो इट्स कम्प्लीटली ह्यूमन, इट्स ओके. तो लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने या तो अपने लिस्ट में थे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर थे, सारे लगभग क्लियर कर लिए हैं. और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले और भी इंटरव्यूज में जो मेरे कलीग्स हैं या फिर कमल पासी अगर दोबारा से अवेलेबल होते हैं, उनके अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, मैं आपके फिर से ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ. और आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, क्योंकि सबसे पहले आपका आता है, मैं बोलता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब भी आप किसी भी चीज़ को डाउट करते हैं ना, तो वो उस वहीं पर आप लगभग 99% हारने के चांसेस हो जाते हैं. right. आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हमेशा देता रहता हूँ. okay. कि आपके सामने एक छोटा सा पॉन्ड, मतलब गड्ढा है पानी का, जब भी आप डाउट करते हैं उसको पार करते टाइम पे कि यार नहीं होगा, तो आपका पैर जरूर उसमें लग जाएगा. लेकिन जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं ये कर पाओगे, तो चाहे कितना भी लंबा हो उसको आप पार कर जाते हो, राइट, है ना. तो आपको पहले, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपने सोच लिया है कि सर्विस में आना है, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पहले अपना सेल्फ डाउट को साइड में रख दीजिए, राइट. क्योंकि आप इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, किसी अदर जो आपका मतलब कॉम्पिटिटर है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. उसने हो सकता है ना स्टार्ट की हो. मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी प्रिपरेशन मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ये क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा तो मुझे पता है कि 95% नहीं कर पाएंगे. तो आप ये मान के चलिए ना, आपको टॉप 53 बहुत बड़ा नंबर है. असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आई 13 बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जनरली वैकेंसीज नहीं आती हैं. तो इंटरव्यू को यहाँ पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू कमल, थैंक यू सर. और इतने सारे आपने जो भी पॉइंट्स थे वो क्लियर किए, और आपने टाइम दिया स्पेशली निकाल के. आज हम संडे को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट. तो सर, इनफैक्ट मैं एक
लिस्ट बना के आया था कुछ वेबसाइट्स की जो अच्छा, आप प्लीज मतलब मुझे लगता है कि अगर आप डेली इनको स्क्रोल ही कर लेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। तो आर्क डेली, वर्ल्ड आर्किटेक्ट्स, तो आई थिंक सबको पता ही है जो यूज करते हैं। इसके अलावा आर्किटाइजर, डिजाइन मिल्क, डिजीन, ट्री हगर, अपार्टमेंट थेरेपी, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो मैं मतलब डेली स्क्रोल करता हूँ। इनकी न्यूज लेटर्स को मैंने सब्सक्राइब किया होता है तो मुझे ई मेल में ही आ जाता है कि तो बेसिक आर्किटेक्चर में क्या क्या हो रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। और एक लास्ट में जो सर ने बस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में की, जब आप गेट पेपर्स भी सॉल्व करने जाओगे ना, पहला गेट पेपर सॉल्व करोगे, यू आर लाइक कि यार मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी की है क्या, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो जब आप एक हफ्ता हर रोज एक एक पेपर सॉल्व करोगे ना, तो उसके आठवें दिन जब पेपर सॉल्व करो ना, फिर आप अपना खुद से कॉन्फिडेंस देखना जी, बिल्कुल। मतलब जो पहले दिन शायद आप 3 घंटे ले रहे हो, और उस दिन आप शायद 40 मिनट में एग्जाम करते होगे, और जो आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ होगा ना, बस द की इज हर रोज कुछ टाइम डेडिकेटेडली बैठो उसके ऊपर, बस दैट्स इट। कंसिस्टेंसी जो है वो देनी पड़ेगी, मेंटेन करनी है। राइट राइट, चलो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, ऑल द बेस्ट, ओके, टेक केयर, थैंक यू सर।